फैक्चुअल बताइएगा। ठीक है, फैक्चुअली मैं इनसे पूछ लीजिए कि हमारा देश बार बार इतना बड़ा बड़ा लोन क्यों ले रहा है यूएसडी बिलियन में, अगर हम इतना बढ़िया कर रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को उनके इकोनॉमिक एडवाइजर ने पिछली मार्च को ये क्यों कहा कि अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं तो टॉप 10% में आते हैं देश के। इनसे पूछ लीजिए कि पिछले मंडे को, सिर्फ मंडे का आंकड़ा दे रही हूँ, 1901 करोड़ क्यों FIIs ने पुल आउट कर लिया मनी। इनसे ये पूछ लीजिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर जितने करप्शन के केसेस बताए सीएजी में, चाहे वो आयुष्मान भारत पर हो, चाहे वो माइनॉरिटी स्कैम पर हो, उसको क्यों दबाया जा रहा है, उसको आप मीडिया में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, उसका क्या जवाब है आपके पास। आपने हाईवे की बात की, सिर्फ सोने की सड़क है द्वारका एक्सप्रेस वे पे जिसका अप्रूवल हुआ 18 करोड़ का और वो बन रही है 251 करोड़ प्रति किलोमीटर की। आप चांद पर हो 1.25 करोड़ में, पर यहाँ पे आप 4 किलोमीटर नहीं बना पा रहे उतने में। इनसे पूछ लीजिए 75,000 करोड़ जो भारतमाला प्रोजेक्ट में बोला है उसमें 15 करोड़ प्रति किलोमीटर के अप्रूवल हुआ, पर आप 30 करोड़ प्रति किलोमीटर के बना रहे और सारे मोस्ट प्रोजेक्ट्स चाहे केरला में हो चाहे तेलंगाना में हो जो NHAI के अंडर जा रहे, एक ही व्यक्ति विशेष को जा रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए क्यों इनको बैंक के एम्प्लॉइज चिट्ठियां लिख रहे हैं, 6 लाख बैंक एम्प्लॉइज ने चिट्ठी लिखी कि प्लीज राइट ऑफ करना, वो फैक्स देती है राइट, मेरे फैक्स बता दें गलत हो तो, राइट ऑफ करना, पैसा बंद कर दीजिए, 17 लाख करोड़ आपने राइट ऑफ कर दिया है। देश में लोगों का डगमगा रहा है विश्वास बैंकिंग में, इनके बैंक एम्प्लॉइज में लिखा, ये सारी खबर ये क्यों दबाते हैं, डिस्कस कर ले।